नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग। कल का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको हेडर वाला टास्क मैंने आपको करके बताया था, मगर स्नैपडील के केस में क्या हो रहा है, ये परफेक्ट बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है। ठीक है, बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है। और हमारे इसमें मैं आपको इसको लॉन्च करके बताऊं तो मैंने किया इसको npm स्टार्ट, मैंने किया npm स्टार्ट मैंने किया, और ये हमारी एप्लीकेशन जो है रिएक्ट की एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। और वेट करते हैं, ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। ठीक है, सो देखना हमारा जो हेडर हमने फिक्स किया था कल, उसमें परफेक्ट नहीं हुआ था, है ना, परफेक्ट नहीं हुआ था। हमें एग्जैक्टली वही चाहिए जो स्नैपडील ने कर रखा है। हमारे इसमें परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे इसमें ये जर्क आता है, ये एकदम से ये जर्क आ रहा है। ठीक है ना, तो अब करना क्या है, तो उसके लिए आप, मैंने ऑलरेडी है ना, यहाँ पर आप जाना, और मेरा अगर आपने कोड क्लोन कर रखा है तो सबसे पहले बात, अगर आपको ये मेरा पूरा सॉफ्टवेयर क्लोन करना है तो उसके लिए कमांड है गिट क्लोन और मेरी रिपोजिटरी की आईडी। सो मैं यहाँ पर गिटहब पे गया और गिटहब पे जो है मैं रिपोजिटरी की आईडी मैं आपको बता देता हूँ। सो रिपोजिटरी का जो लिंक होगा वो यहाँ से आप क्लोन कर सकते हो। इसको आप कॉपी करें, किसी भी डायरेक्टरी में आप जाएं। ठीक है, मान लीजिए आप ई ड्राइव में है, कहीं पे भी है, तो आपको करना क्या है, एक फोल्डर बना लेना आप। ठीक है, सो मैंने एक किसी भी नाम का एक फोल्डर बनाया, राइट क्लिक करके गिट बैश हियर किया, और आप क्या करें, गिट क्लोन, और ये आपने यूआरएल पेस्ट करना है, और लास्ट में एक डॉट जरूर लगा देना। डॉट लगाने से क्या होगा, स्नैपडील नाम की डायरेक्टरी नहीं बनाएगा, डायरेक्ट सोर्स कोड आपके पास क्लोन हो जाएगा। सो ये देखिए, ये क्लोन हो रहा है। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि मेरा मेरी रिपोजिटरी का सारा सोर्स कोड आपके पास आ गया है। तो गिट क्लोन और गिट का यूआरएल और स्पेस डॉट देना है, तो इससे क्या होगा, पूरा के पूरा सोर्स कोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सोर्स कोड आया है, ये आपके पास सोर्स कोड आ गया है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट को आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखना यहाँ से गिट गिट ब्रांच लिखना है आपको, है ना, गिट ब्रांच। तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो है दो ब्रांच अलग बना रखी है। तो आपकी डिफॉल्ट ब्रांच तो कौन सी है, मास्टर, जिस पे आपका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चल रहा है। मगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ हमें कुछ टेस्टिंग करनी है, कोई कोई टेस्टिंग करनी है, काम हो नहीं रहा है हमारे मेन ब्रांच पर, मास्टर ब्रांच पर, हम डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर में हम वर्क नहीं करना चाहते हो, तो ब्रांच बना कर सकें। मैंने ऑलरेडी एक ब्रांच बना रखी थी हेडर ट्रांसलेट नाम की, देखिएगा मैं उस ब्रांच पे जंप करता हूँ आपके सामने। सो यहाँ पर मैं गया और आप देखिएगा कि मैंने इसको किया गेट चेकआउट, और इसको मैंने बोला हेडर ट्रांसलेट, मैंने बोला, जैसे ही मैंने हेडर ट्रांसलेट किया, और अब आप देखना, ये मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरा पूरा एप्लीकेशन जो है आई थिंक ये उस दिन का हो गया जिस दिन मैं ये वर्क कर रहा था। तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, ये देखो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। क्या इस वाले में कोई जर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमने परफेक्ट किया हुआ है। यहां पर आप देखें, ये देखो परफेक्ट आ रहा है, ये देखो। तो इस दिन मैंने काम क्या किया था, तो मैं यहां से देख सकता हूं। सो ये जो है बेसिकली, यहां पर आप देखिए कि विड्थ 100% बोल रखी है, किया एनिमेट हेडर को ही है, हेडर फिक्स दे रखा है, टॉप जीरो दे रखा है, स्टार्ट जीरो दे रखा है, ये क्लासेस हमें वहां पर देनी है। तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर रखा है, इनलाइन स्टाइल दे रखी है, जिसमें ट्रांजिशन हमने दे रखा है, ट्रांसफॉर्म कोलन 1 सेकेंड, वो हमने इंटरनल सीएसएस से हमने भी दे दिया था। और यहाँ पर सिर्फ जो है ट्रांसलेट वाई को मूव किया गया है, और जो है स्टेट में वाई की वैल्यू क्या रख रखी है, ये टी वाई का मतलब ट्रांसलेट वाई नाम की प्रॉपर्टी मैंने बना रखी है, टी वाई ट्रांसलेट वाई, और इनिशियल कितना ट्रांसलेट करना है, जीरो, मगर स्क्रॉल का वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा होता है, तो देखो वैल्यू भी दे रखी है, यदि जीरो से ज्यादा हुआ तो -30, और अगर जीरो हुआ तो जीरो, अगर स्क्रॉल वैल्यू जीरो हुआ तो ट्रांसलेट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यही हमें एक्चुअल में करना था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने ओरिजिनल सोर्स कोड पे आऊंगा जिस पे मैं कल तक काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गिट चेकआउट मास्टर। तो ये करते ही ये देखना,
हमारा पूरा काम वो हो जाएगा जो कि हमने कल अचीव किया था बेसिकली। सो यहाँ पर आप देखना ये जर्क आ रहा है, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने हेडर में चले जाना। सो पेजेस में गए, कंपोनेंट्स में, हेडर के अंदर गया और यहाँ पर हेडर के अंदर जो है ये रहा हेडर, और इसको क्लासेस देना स्टार्ट करो। सबसे पहली क्लास तो आपने दे दिया, ये अभी मैं स्टेट वाई और ये सारी हटा रहा हूँ, है ना, ये मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहली दे दी मैंने पोजीशन डैश फिक्स्ड, है ना। इससे क्या हुआ देखते हैं। चलो ये देखो पोजीशन फिक्स हो गई, मगर दिक्कत क्या है कि पोजीशन फिक्स देने से वेट कम पड़ गई इसकी। तो हम चाहते हैं कि भैया पहली चीज तो क्या हो जाए, पोजीशन फिक्स हो जाए, उसके बाद विड्थ कितनी हो जाए, 100 हो जाए। तो पोजीशन फिक्स के बाद आप क्या दे देना उसकी विड्थ, डब्ल्यू डैश 100। डब्ल्यू डैश 100 से क्या हुआ, अब ये हो गया कि हाँ 100% तो आ रही है। अब इसमें आप ये भी चेक कर लेना कि भाई कोई एलिमेंट जो है इस हेडर के फ्रंट में नहीं आना चाहिए, है ना, कोई एलिमेंट इस हेडर के फ्रंट में नहीं आना चाहिए। हेडर सबके फ्रंट में है और बाकी सारे एलिमेंट हेडर के पीछे स्क्रॉल करने चाहिए। सो देखिए मैं टॉप से बॉटम तक स्क्रॉल करके बता रहा हूँ, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो मेरे हेडर के फ्रंट में आ रहा हो। अगर हेडर के फ्रंट में आ रहा है तो उस केस में आप हेडर को टारगेट करके आप जीइंडेक्स दे ही देना। तो हेडर को आपने टारगेट किया हुआ ही है कहीं ना कहीं। सो अगर ऐसा हो रहा है कभी तो ये हेडर को ढूंढना आप, ये रहा मेरा हेडर और ऑलरेडी मैंने 1 लाख का जीइंडेक्स दे रखा है, मतलब किसी की ताकत नहीं है कि जो हेडर के भी फ्रंट में आ जाए। वो ही एलिमेंट आ सकता है जिसका जी इंडेक्स 1 लाख से ज्यादा हो, है ना। तो अभी तो हमने ये रख रखा है कि लगभग हमारा 1 लाख जो है जी इंडेक्स दे रखा है, इसलिए मेरा हेडर सबसे फ्रंट में आ रहा है ना, और यही होना चाहिए। अब जो है अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या करना है हमें। हेडर जेस में गए, अब पोजीशन फिक्स दे दिया, विड्थ 100 दे दिया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा टॉप जीरो भी दे देते हैं ना, टॉप जीरो, क्योंकि कई बार होता है पोजीशन फिक्स देते हैं तो वर्क नहीं करता है। ये टॉप जीरो हो गया, अब आप केयरफुली लेफ्ट जीरो भी दे देवे। तो यहां से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट डैश जीरो दिया, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत प्लेस हो जाएगा, ये हल्की हल्की सी आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो एक कोने पे प्लेस करना है। तो एक कोना प्लेस करने के लिए टॉप जीरो एंड स्टार्ट जीरो आपने दिया, है ना। सो ये टॉप जीरो स्टार्ट जीरो है, ये वाला टॉप जीरो एंड जीरो है, ये आपका है बॉटम जीरो एंड जीरो है ये लोकेशन, और ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो कॉर्नर है इसको क्या कहेंगे, बॉटम जीरो स्टार्ट जीरो। सो मुझे हेडर को किस कॉर्नर पे फिक्स करना है, स्टार्ट जीरो एंड टॉप जीरो पर फिक्स करना है, जो कि मैंने कर दिया है। और ये सारा काम जो है हमने बूटस्ट्रैप की 2 क्लासेस से कर दिया है ना, 3 क्लासेस से कर दिया, पोजीशन फिक्स, उसके बाद टॉप जीरो, स्टार्ट जीरो। उसके बाद एडिशनल, अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद सबसे पहले तो देखो आप स्क्रॉल कर लो और आपका जो मेन एरिया है वो एक्चुअल में, क्योंकि आपने जैसे ही आपका एक तरफ हेडर आ रहा है, एक तरफ मेन आ रहा है, जैसे ही आपने हेडर को डॉम से बाहर निकाला तो पीछे वाला मेन ने उस हेडर की जगह एक्वायर कर ली, वो ऊपर खिसक गया। तो आपको हेडर का जितना हाइट है उतना आपको उसको देना पड़ेगा क्या, मार्जिन देने पड़ेंगे। सो मैं हेडर का हाइट देख लेता हूं, आप या तो यहां से कैलकुलेट कर लो या फिर आप अपने सीएसएस में ही जाके सीएसएस से ही पता कर लो कि भैया हेडर का हाइट कितना था, 94 पिक्सल था। तो मुझे लग तो नहीं रहा है कि 94 है, बट फिर भी यहां से आप कैलकुलेट कर लो। मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, देखो कैलकुलेशन में भी ये काम नहीं कर रहा है ना। सो दूसरा तरीका ये हो गया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हेडर को पिक कर लो, ये हेडर को पिक किया, हेडर को पिक किया और कॉम्पिटेट में चले जाना। तो कॉम्पिटेट में एक्चुअल में ये बता दिया इसने 92, वो 92 ही है ना। तो मुझे अपने मेन एरिया को, जो हेडर के बाद जो मेन एरिया आ रहा है, ये हेडर खत्म हो रहा है यहाँ पर, इसके बाद जो हमारा होम पेज का मेन एरिया आ रहा है उस पे आप जाइए, पेजेस में गए, होम जेस में गए और होम जेस में आप देखिएगा सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर एंटर करते ही ये मेरा मेन एरिया आ रहा है, ए अंडरस्कोर मेन, इसको CSS में ढूंढे हैं, ये अंडरस्कोर मेन ये रहा, और इसको हमें कितना मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, मुझे उतना मार्जिन टॉप देना पड़ेगा जितना कि क्या है, हेडर की हाइट है। सो 94 पिक्सल इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखना क्या होगा, रिफ्रेश किया, ठीक है ये रिफ्रेश किया मैंने, ये देख लेना एक बार थोड़ा बहुत स्क्रॉल स्क्रॉल कभी कोई दिक्कत हो।
और यहाँ पर देखो ना, ओरिजिनल स्नैपडील में भी ये गैप आ रहा है, ये वाली गैप की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। कौन से गैप की बात कर रहा हूँ? ये वाले गैप की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये गैप हमारे इसमें भी आ रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है जैसा कि स्नैपडील के केस में, ये हमारे इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब हम क्या करें कि स्क्रॉल वैल्यू के लॉजिक पे काम करना है। तो स्क्रॉल वैल्यू का लॉजिक हमने बता रखा है कि भाई जीरो इंडेक्स जैसे ही हो जाए, पहले तो आप देख लेना कि हेडर के अंदर हेडर को आप जाएं और ढूंढे, हेडर को ट्रांजिशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है। सो हेडर को ट्रांजिशन दे रखा है ना, सो हेडर को ट्रांजिशन दे रखा है, ठीक है। अब हेडर की इनिशियल वैल्यू यहां पर हम गए। अब जो है हेडर की स्टाइल इक्वल्स टू डबल कर्ली ब्रेसेस, यहां पर आप ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसलेट, यहां पर कौन सा एक्सिस आपको ट्रांसलेट करना है? वाई एक्सिस ट्रांसलेट करना है, और यहां पर आपको लिखना है 0px लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना कि ये कंकैटिनेट करना पड़ेगा, px को कंकैटिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक पे हमें जाना है, और आई थिंक ये वाला तो स्लाइडर बॉक्स था, और ये ट्रांसलेट वाला ये लॉजिक है, स्क्रॉल बाय हेडर, है ना। सो ये जो 30 हो रहा है ना, इसको आप कर देवे 0 और ग्रेटर देन, ठीक है ना। सो यदि 0 से ज्यादा हुआ तो ट्रांसलेट वाई, यहां पर आप एक वैल्यू ले लेना, यहां पर मैं ले लेता हूं टी वाई का मतलब ट्रांसलेट वाई, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो फिर मुझे किसको एनिमेट करना पड़ेगा? टी वाई को एनिमेट करना पड़ेगा, टी वाई की प्रॉपर्टी मुझे लानी है और टी वाई की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। सो यहां पर ट्रांसलेट मुझे कितना है? नेगेटिव 30, और यहां पर कितना हो जाएगा? एल्स में 0 हो जाएगा। सो इफ ये असाइड का कोड लिखा हुआ है, तो असाइड का शायद हम असाइड पे काम नहीं कर रहे हैं, बट ये इस पे काम कर रहे हैं, है ना, इस वाले पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। सो हेडर में स्टार्ट गए और ये ट्रांसलेट वाई हो रहा है, ट्रांसलेट वाई, ये रिफ्रेश किया, ट्रांसलेट वाई इज नॉट डिफाइंड, ट्रांसलेट। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को आप क्या स्ट्रिंग में दे दो, यहां तक भी स्ट्रिंग में दिया और ये कंकैटिनेट किया यहां पर, है ना। ये ट्रांसलेट वाई जो है पूरा स्ट्रिंग में देना, सिर्फ 0 को आप अलग रखें, क्योंकि इसको कंट्रोल करोगे आप किससे? दिस डॉट स्टेट डॉट टी वाई वैल्यू से। टी वाई मतलब ट्रांसलेट वाई, और टी वाई क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्लास के अंदर एंटर करते ही सबसे पहला एरिया मिलेगा प्रॉपर्टी एरिया। प्रॉपर्टी में मैंने स्टेट नाम की एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, और उसमें आप कितनी भी प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने एक टी वाई नाम की प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली। अब देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कोई एरर आ रही है हेडर पे लाइन नंबर 129 पर। सो 129 पर कोई ना कोई एरर यहाँ पर जो है इसको ये करना पड़ेगा। है ना, तो ये थोड़ा सा पैटर्न आपको ये ध्यान रखना है। ट्रांसलेट वाई फंक्शन है, फंक्शन का स्टार्ट का पैरेंथेसिस स्ट्रिंग में आना चाहिए, और फंक्शन का क्लोज का पैरेंथेसिस भी स्ट्रिंग में आना चाहिए, और पीएक्स भी स्ट्रिंग में आना चाहिए। बीच का जो वैल्यू है वो आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा। रिफ्रेश किया, ठीक है ना, ये हो गया। थोड़ा सा इसको आप हटा दो, इसको अभी के लिए गायब कर दो, सोर्स कोड सामने दिखना चाहिए, है ना, सामने ही दिख रहा है। अब देखना जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, ठीक है इसमें थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो उसके लिए आप फिर ये 0.2 सेकेंड है, इसको 1 कर दें, है ना।
कितना फास्ट हो रहा है वो ना, तो वो 0.2 ही है ना, 0.2 ही लेना है। सो ट्रांजिशन ऑल मतलब प्रॉपर्टी, लीनियर मतलब टाइमिंग फंक्शन, और 0.2 मतलब वो ट्रांजिशन का ड्यूरेशन क्या होगा। सो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन मैंने 0.2s लिखना है, कभी भी 0.2 सेकेंड स्पेलिंग पूरी मत लिख देना, 0.2s लिखना है, s का मतलब सेकेंड है। सो 0.2 सेकेंड के लिए वो ट्रांजिशन करेगा, y एक्सिस पर मूव करना है 0 पिक्सल से लेके नेगेटिव 30 पिक्सल। सो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा ये है कि जैसे ही स्क्रॉल वैल्यू 0 से 1 पर 1 पिक्सल भी ज्यादा होती है तो इसको ट्रांसलेट नेगेटिव में कितना पहुंचा देना है अपने को, नेगेटिव 30 पिक्सल y में उसको करना है। So, यहां पर ये परफेक्ट हुआ है, ठीक है ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप ये वाला जो है इफेक्ट जो है आप बना लेंगे। तो मैं अभी को इसको जो है स्टेज कर देता हूं, कंट्रोल बैक टिक करना टर्मिनल स्टार्ट करने के लिए, लास्ट जो है गेट स्टेटस आप चेक कर ले तो आपको पता चल जाएगा आपने किस किस फाइल में चेंज किया है, फिर आप करें गेट लॉग करें जिससे ये पता चल जाएगा। लास्ट मैंने 26 बनाया था, कॉपी कर लो यहाँ से आप, ठीक है। क्यू प्रेस किया बाहर निकले इससे, फिर गिट ऐड किया, स्टेज किया मैंने, गिट कॉमिट किया यहाँ पर, गिट कॉमिट डैश एम, और यहाँ पर मैं 26 की जगह मैं 27 कर देता हूँ, 27 कर दिया, हेडर ट्रांसलेट, हेडर ट्रांसलेट, होम पेज हेडर ट्रांसलेट, परफेक्टली done, git push origin master, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।